नमस्कार दोस्तों दोस्तों 90 के दशक के विज्ञापन जो कि दूरदर्शन पर आते थे उनमें कुछ तो खास बात थी, क्योंकि वो विज्ञापन जितना हमें उस समय आकर्षित करते थे उतना ही आज भी देखने के बाद उतना ही आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं दूरदर्शन के विज्ञापन उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो न देखा हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर वो विज्ञापन आप देख सकते हैं। दोस्तों उससे पहले एक आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे जो भी इस प्रकार की वीडियो बनाते रहता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आज 90 के दशक के सभी विज्ञापनों के विषय में बात नहीं कर सकता, क्योंकि सभी विज्ञापन बहुत लंबा चौड़ा उसका ये हो जाएगा। मैं सिर्फ उस दौर के खाने के साबुनों के विज्ञापन के विषय में आज आपसे बात करूँगा। दोस्तों उस समय नहाने के साबुनों के विज्ञापन में एक अलग ही आकर्षण था और लोग उस समय के विज्ञापन को बड़े चाव से देखते थे। दोस्तों उस समय प्रीति जिंटा अभिनीत लिरिल साबुन का एक विज्ञापन आता था जो कि बहुत ही फेमस हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि उसे आज भी देखने के बाद आपको उतना ही मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको ब्रीज साबुन का विज्ञापन तो याद होगा, अरे नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, चलिए आपको दिखाते हैं। तेरी गुलाबों से कोमलता मरोज की जाए, नया ब्रीज गुलाबों की खूबसूरती समाए, त्वचा सुकोमल हसीन बनाए, सुकोमल हसीन त्वचा। दोस्तों उस समय एक विज्ञापन आता था जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि उस विज्ञापन का जो म्यूजिक था या जो गाना था, मतलब उस विज्ञापन में कुछ बहुत ही ज़्यादा खास मुझे लगता था और उस विज्ञापन को मैं बार बार देखना पसंद करता था। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मार्गो साबुन के विज्ञापन के विषय में। तो दोस्तों आइए आप भी देखिए और पुरानी यादें ताज़ा कीजिए। बचपन की यादें खिले से वो चेहरे, वही घर का आंगन वो ममता। अरे बेबी आ गई। अब भी मुझे बेबी कहते हैं। थक गई होगी, चलो नहाने का पानी तैयार है। नीम के पत्ते? नीम रूप रंग के लिए अमृत होता है। जानती हूँ, तभी तो मैं नहाती हूँ मार्गो से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।